हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर वर्खा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में हैं, और जो आपका जून 2023 का भी जो पेपर हुआ है उसी के PYQs आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, जिससे कि जो भी नया टॉपिक है वो आपके सामने आ जाए और उसको भी हम पढ़ सकें। ठीक है, तो मैनेजमेंट कोर्स 17 के लिए ये सीरीज चल रही है, तो जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही इसमें आधे क्वेश्चंस हो जाएंगे, अराउंड 20-25 तक हम पहुंच जाएंगे क्वेश्चंस करते हुए, तो मैं आप लोगों को इसका PDF भी जो है वो टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी, तो उसके थ्रू भी आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसर्न एंड चैलेंजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 है, यानी कि औद्योगिक क्रांति 4, इसमें कौन कौन सी चुनौतियां है, है ना, कंसर्न और चैलेंजेस कौन कौन से हैं। तो इन्वेंशन ऑफ प्राइवेसी, रिड्यूस द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, लो कॉस्ट एंड अफोर्डेबल सर्विस, ब्लरिंग डिफरेंसेस बिटवीन द मेन एंड मशीन, या फिर एनवायरमेंटल कंसर्न, है ना। तो इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 को डिनोट करते हैं वो आपको बताना है, और यहाँ पर इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको इसके लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस का मेन टास्क क्या है, यानी कि अगर 4 पॉइंट किया गया है, इसके पहले मतलब 01, 02, 03, 04 तक पहुँचे हैं, तो ये भी कुछ ना कुछ जरूर होंगे। तो आखिर ये क्या कहना चाहते हैं, इनका जो मेन कंसर्न है वो क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर ये मेन कंसर्न पता है तो इस पॉइंट को करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। द राइट आंसर इज डी गाइस, डी इज द राइट वन, है ना। यानी कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है ना वो एक्चुअली साइबर से रिलेटेड है, है ना, साइबर से रिलेटेड है। ये देखिए, जो वन जनरेशन फर्स्ट है वो आपकी मेकेनाइजेशन सिस्टम और आपका वाटर पावर से लेकर था। सेकंड रिवोल्यूशन आपका मॉस प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी को लेकर है। थर्ड रिवोल्यूशन आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी सिस्टम ऑटोमेशन को है। फोर्थ रिवोल्यूशन आपका साइबर फिजिकल सिस्टम को लेकर है, यानी कि साइबर से जुड़ी हुई यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बात की जा रही है। तो अगर हम बात करें साइबर से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो प्राइवेसी को लेकर हो सकता है, कि प्राइवेसी रहेगी या नहीं रहेगी। और दूसरा हमारे लिए सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो है एनवायरमेंटल कंसर्न। क्यों? क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्रीज को बिलोंग कर क्यों ना करते हो, कहीं ना कहीं जो हम जितनी टेक्नोलॉजी यूज़ करते जा रहे हैं उनसे एनवायरमेंट को हार्म होना स्वाभाविक होता है। तो कैसे हम एनवायरमेंट को बचाकर अपने इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, वो एक बड़ा टास्क है। इसलिए ए और ई जो है इज अ राइट आंसर फॉर दिस। और जैसे इंडस्ट्री 404.4 की अगर बात करें, तो हमने कहा कि ये साइबर से रिलेटेड आपका है, यानी कि ये साइबर फिजिकल सिस्टम को डिनोट करता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इसमें आएगा इंटरनेट्स और उससे जुड़ी हुई थिंग्स, एडिटिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सिमुलेशन से जुड़ी चीज़ें आ जाएंगी, है ना, ऑगमेंटेड रियलिटीज, सिस्टम इंटीग्रेशन, ऑटोमेटेड रोबोट्स और बिग डेटा। ये सारे पॉइंट जो है वो अभी के जो इंडस्ट्री लाइक आपका इंडस्ट्री रिवोल्यूशन 4.0 है उससे रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट आया है ना वो जीरो आपका ये 5 भी आ चुका है, और जो 5 है उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज कि वो फ्यूचर को लेकर है, कि क्या हम कर सकते हैं। तो ये जो है ये अभी करंट वाला चल रहा है, दिस इज द प्रेजेंट वन, और फ्यूचर के लिए जो आ रहा है वो है आपका 5.0। नाउ ये देखो, यहाँ पर भी कुछ चेंजेस और चैलेंजेस दिए गए हैं जो अभी के करंट में है। लाइक मेनी न्यू प्रोफेशंस, स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू जॉब अपीयर्स हो रहे हैं, तो ये कुछ चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर, कुछ चांसेस मिल रहे हैं हमारे को, है ना। इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन न्यू बिजनेस मॉडल, ये एक हमारे पास चांस है। पर्सनलाइजेशन इज एट द हाई लेवल, कनेक्टिंग सोसाइटी इन द न्यू वेज, ये एक हमारे सामने है। एक सोसाइटी को इसमें क्या फायदा मिल रहा है, है ना, किस तरह से हाई लेवल को या नए रास्तों को वो अपना रही है, कैसे नया बिजनेस मॉडल क्रिएट किया जा रहा है, कैसे नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, ये हमारे पास चांसेस हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटीज हैं। वहीं कुछ चैलेंजेस हमारे सामने हैं कि अगर ये आता है तो एक अनरेस्ट या फिर इनइक्वालिटी इम्बैलेंसेस वाला फंडा जो है वो मार्केट में आ जाएगा, क्योंकि जिसके पास नॉलेज होगी वही आगे बढ़ पाएगा, है ना। तो इसलिए लेबर मार्केट में इम्बैलेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। द इशू ऑफ ट्रेनिंग अ न्यू ह्यूमन रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जिंग द स्किल्स
एंड अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंसीज, यानी कि इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटेंसीज किसी भी पर्सन के अंदर क्रिएट करना भी अपने आप में एक बड़ा टास्क रहेगा यहाँ पर। और चेंज इन द वे ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन, तो जो भी आप नया लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी प्रोडक्शन की लाइन जो है वो चेंज होती है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरह से चांसेस यानी कि अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं फॉर 4.0। तो अभी जो मैंने बताया था उसी को यहाँ पर एक और दूसरे तरीके से बताया गया है, एथिकल कंसर्न हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बात हो सकती है, जॉब डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड बात हो सकती है, और प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी आ सकती है, किसमें? फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। जैसा आप जानते हैं कि सिक्वेंसिंग और स्टेप्स वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो मार्केटिंग प्रोसेस का सिक्वेंशियल ऑर्डर क्या है वही यहाँ पर आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करता है वो, आप इन लाइंस को पढ़कर ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले क्या करता है। अगर वो आपको आइडेंटिफाई हो गया तो फिर आप उसमें से ना यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं चीज़ों को। तो कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर एंड क्रिएट द प्रॉफिट, ये चीज़ तो पहले हो नहीं सकती है, क्योंकि अगर ये पहले हुई तो बाकी का काम कम होगा। सीधी सी बात है, कस्टमर का प्रॉफिट और इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं तो उसके पहले, इक्विटी की हम बात कर रहे हैं तो उससे पहले तो ये पता होना चाहिए कस्टमर की नीड एंड वॉन्ट्स क्या है। तो ये देखो, ये नीड्स एंड वॉन्ट्स जहाँ दिख गया वही समझ लो पहला होगा। तो ये हमारा फर्स्ट वन हो गया कि व्हाट इज द कस्टमर नीड एंड वॉन्ट। अब बी किसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि ये तो हमारे एलिमिनेट हो गए कि ये तो हो ही नहीं सकता है। अब डी को देख लो कि क्या डी जो है ये आना चाहिए लास्ट में, या ई जो है वो आना चाहिए इसके बाद सेकेंड स्टेप पे। तो अगर आप देखोगे डी कहता है कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर द सुपीरियर वैल्यू, तो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम क्रिएट करने के बारे में बात कर रहा है। और ये कह रहा है कि डिजाइन ए कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कि मतलब नीड और वॉन्ट्स के बाद क्या हमको डायरेक्टली मार्केटिंग स्ट्रेटजी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करके अपना आंसर्स निकाल सकते हैं और सीक्वेंस पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका सीक्वेंस। द राइट वन इज बी गाइस, बी इज द राइट वन। इसका सही आंसर जो है वो ये है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका टास्क होगा कि आप नीड एंड वॉन्ट्स देखेंगे। सेकेंड जो आपका टास्क होगा वो डिजाइन ए कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आप स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा आपका कि जब आपने स्ट्रेटजी तैयार कर ली है, देन कंस्ट्रक्ट अ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम, एक मार्केटिंग प्रोग्राम आप तैयार करेंगे जिसमें आप सुपीरियर वैल्यूज को मेंशन करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे कस्टमर्स डिलाइट्स के लिए। और फिर उसके बाद आप अपनी कैप्चर्स वैल्यू को कैप्चर्स करेंगे कस्टमर्स के लिए प्रॉफिट और कस्टमर इक्विटी प्रोवाइड करके, तो वैल्यू क्रिएट करेंगे या वैल्यू कैप्चर करेंगे। तो इस तरह से बी इज द राइट वन, ठीक है। और ये देखो, ये रही इसकी मार्केटिंग प्रोसेस के स्टेप्स, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड्स एंड वॉन्ट्स एट मार्केट प्लेस, फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी विद कस्टमर ड्रिवन डिजाइन, जो भी आपकी डिजाइन होगी उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेटेड प्लान फॉर मार्केटिंग विद द सुपीरियर वैल्यू, जो भी हमारी सुपीरियर वैल्यू है उसके लिए हम चीज़ों को कलेक्ट करके प्लान तैयार करेंगे, फिर क्या प्रॉफिटेबिलिटी हमारे सामने आ रही है उसे देखेंगे, और फिर उसके बाद कैप्चर वैल्यू करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू द कस्टमर्स, एंड फिर उसके बाद उसकी कैप्चर करेंगे वैल्यूज। इस तरह से ये पूरी आपकी प्रोसेस चलती है। यहाँ पर भी आपके टेक्निक जो वर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं इसमें, और वही चीज़ वहाँ पर भी लिखी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल की टेक्निक्स दी हुई है और यहाँ इसके प्रपोजल्स दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि किसने दिया हुआ है। अब ये तो मतलब रटा होगा, कितनी बार हमने पढ़ा हुआ है कि बैलेंस स्कोर कार्ड जो है वो कापन डेविट एंड पी नॉटन ने दिया है। बट एज यू नो दैट कि जो हमारे एनटीए वाले हैं वो भी बहुत स्मार्ट है, जिन्होंने पेपर बनाया है, बोले बच्चों को ये तो पता ही होगा डायरेक्टली नोन अबाउट इट, क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए उन्होंने ए जो है वो इतनी जगह पर दे दिया है कि ए का फोर जो है वो कई जगहों पर दे दिया है। अब कंफ्यूजन, अब और क्या हो सकता है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड या वीरो फ्रेमवर्क या कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको एक दो भी पता हुआ है, जैसे कि आपको पता है कि वीरो फ्रेमवर्क जो है वो वर्ने ने दिया हुआ है, तो अगर आपको ये बात भी पता है तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आंसर क्या होगा। लेट अस चेक कि क्या मैं सही सोच रही हूँ क्या। सो द राइट आंसर इज, हाँ नहीं कुछ गड़बड़ है इसमें। ओके, मैं इसका आंसर आप लोगों को दोबारा से क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि इसका आंसर जो है वो
वन वाला आना चाहिए था। इसका आंसर जो है वो ये होना चाहिए, फोर। यस, क्योंकि वीरो फ्रेमवर्क जो है वो आपके बर्ने ने दिया हुआ है। लेट अस क्रॉस चेक, हम यहीं के यहीं क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों के लिए भी डाउट ना हो और मेरा भी डाउट क्लियर हो जाए। वेट अ सेकेंड, यस बने, वही मैंने कहा, मैंने क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है तो वही चीज आती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी है, डी इज द राइट वन। ठीक है, तो बैलेंस स्कोर कार्ड जो है वो आपके किसने दिया है, रॉबर्ट काल्पन एंड डेविड नॉर्टन ने दिया हुआ है। फिर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो है बी, बी जो है वो किसने दिया है, स्टैन स्टेंस स्टेवर्ट एंड कंपनी ने दिया है। वीरो फ्रेमवर्क जो है वो आपका वर्नन, ओ सॉरी 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 मैं कंफ्यूज हो गई। एक्चुअली वीरो फ्रेमवर्क जो है वो ये सी पे है, वीरो फ्रेमवर्क आपका सी है। तो यस, दिस इज द राइट वन। सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, पढ़ते पढ़ते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जस्ट वेट, यस बैलेंस स्कोर कार्ड और वीरो फ्रेमवर्क जैसे मैंने कहा वर्नन ने दिया हुआ है, और सी का वन जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। मैं कंफ्यूज हो गई थी, तो सी का वन यहाँ दिया है और ए का फोर यहाँ दिया हुआ है, तो दिस इज द राइट वन। ठीक है, तो ये आपका जो है बी इज द राइट वन, क्यों इन दोनों से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अननेसेसरी मैंने पता नहीं कहाँ पहुंच गई, लिखा वही था, तब भी कई बार हो जाता है। ऑल दो आप सोचो कि ये चीजें कई बार टिपिकल पड़ जाती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलो, मैं अगर यहाँ बैठे बैठे कंफ्यूज हो गई हूँ इसको लेकर, तो एग्जाम हॉल में आप भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा सचेत होकर चीजों को पढ़िएगा, सचेत होकर अपने आंसर्स को करिएगा, जिससे इस तरह की जो मिस्टेक्स होती है ना वो ना हो। ओके, सो बैलेंस स्कोर कार्ड और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एनालिसिस अगर हम देखें, तो बैलेंस स्कोर कार्ड इन्होंने दिया है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एनालिसिस जो है वो गिवन बाय द दिस वीरो फ्रेमवर्क बैनर ने दिया हुआ है, और बिजनेस इंटेलिजेंसी जो है वो हार्वर्ड ड्रेसनर ने दिया हुआ है। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है, और आंसर इज बी, बी इज द राइट वन। चलिए आगे मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, आप सभी ने अनकैटेड के बारे में सुना होगा, ठीक है ना, UNCTAD। अब ये क्या होता है, इट इज कंपाइल्ड ट्रांसनैलिटी इंडेक्स कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री रेशियोज। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए तभी तो कर पाओगे। आपसे सिंपल से पूछा है कि जो आपका ट्रांसनैलिटी इंडेक्स है उसका रेशो जो है वो किन तीन चीजों से मिलकर बनता है। तो इस चलिए देखते हैं, सब आंसर ऑलरेडी हमको यहाँ पर दिया हुआ है। ए इज द राइट वन, कि फॉरेन एसेट्स और टोटल एसेट्स, फॉरेन सेल्स और टोटल सेल्स, और फॉरेन इक्विपमेंट एंड टोटल इक्विपमेंट से आपका ये जो बनेगा। अभी ना देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये है आपका अनकट ठीक है। और ये देखो, ये जो ट्रांसनैलिटी इंडेक्स होता है ये डेवलप्ड किया गया है इन्हीं के द्वारा, ठीक है ना। ट्रांसलेंट ये लिखा हुआ है, ट्रांस नेशनैलिटी इंडेक्स वॉज डेवलप्ड बाई द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इट मीन्स द रैंकिंग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस दैट इज एम्प्लॉयड बाय द इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिशियंस। इट इज कैलकुलेटेड एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग थ्री रेशो। और वो थ्री रेशोज कौन कौन से हैं, और यहाँ पर जो फॉरेन का बात किया जा रहा है दैट मीन्स द आउटसाइड कंपनीज की बात यहाँ पर की जा रही है। तो रेशो कौन कौन से हैं, यही आ गया, फॉरेन एसेट्स टोटल एसेट्स, फॉरेन सेल्स टोटल सेल्स, फॉरेन एम्प्लॉयमेंट एंड टोटल एम्प्लॉयमेंट, और वही हमने यहाँ पर आंसर बताया है, ए इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, लोअरिंग द कॉस्ट दैट अ फर्म्स ऑफन एक्सपीरियंस व्हेन इट प्रोड्यूस टू और मोर प्रोडक्ट टुगेदर देन ईच अलोन इज नोन एज। आपको इतना बताना है कि जब कोई कंपनी दो या दो से अधिक उत्पादों को अलग अलग की बजाय एक साथ निर्मित करती है, कहने का मतलब है कि मान लो ये एक मशीन है, अभी ना जैसे अगर सोप बनाने की बात हो रही है, तो
वैसे तो सोप जो है वो अलग अलग डिजाइन और फ्रेग्रेंस के बन रहे हैं, अब उनको हर को अलग अलग बनाएंगे या सब करेंगे तो वो एक अलग बात हो गई। बट हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अलग अलग उत्पादों को अलग अलग बनाने की जगह जहां तक हो सकता है अगर वो साथ बन सकते हैं तो उनको साथ बनाया, फिर उनको फ्लेवर्ड कर दिया। तो उससे क्या होगा कि एक ही मशीन पर कई सारे काम आपके हो सकते हैं। तो वही आपसे पूछ रहे हैं कि इसको क्या कहा जाएगा, जब कोई कंपनी दो या दो से अधिक उत्पादों को अलग अलग की बजाय एक साथ निर्मित करती है ना, एक साथ की जगह एक साथ निर्मित करती है, तो यहाँ पर क्या होता है कंपनी की कीमत जो है वो कम हो जाती है ना, थोड़ा सा कॉस्ट में रिडक्शन आ जाता है इसकी वजह से, क्योंकि उनको अलग अलग काम ना करके अब एक ही तरह से वो काम कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल, इकोनॉमी ऑफ स्कोप, इकोनॉमी ऑफ स्पेशलाइजेशन या टेक्निकल एफिशिएंसी, हो सकता है आप लोग जानते हो। तो चलिए द राइट आंसर इज बी, और जो नहीं भी जानता हो तो वो आप जान जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये देखो इकोनॉमी ऑफ स्केल, ये इकोनॉमी ऑफ स्कोप्स का मतलब वही हो गया जो अभी बताया था कि यहाँ पर जो है वो वेराइटीज को वेराई किया जाता है, वॉल्यूम को नहीं, है ना। मतलब आपका कॉस्ट जो है वो उसी कॉस्ट में आप एक से दो तीन चार प्रोडक्ट बना रहे हो सेम मशीन से, है ना, और सेम टाइम पर आप कई सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो उसको कहा जाता है आपका इकोनॉमी ऑफ स्कोप। और ये जो इकोनॉमी ऑफ स्कोप फैक्टर्स दैट मेक इट चीपर टू मैन्युफैक्चरिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर ये क्या करेगा ना, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को चीप लाइक रेट में चीज़ें जो हैं वो आपकी हो जाएंगी। अब इकोनॉमी ऑफ स्केल्स क्या कहता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल्स आर द कॉस्ट एडवांटेज कंपनीज एक्सपीरियंस व्हेन प्रोडक्शंस बिकम एफिशिएंट एज कॉस्ट कैन बी स्प्रेड ओवर अ लार्जर अमाउंट ऑफ गुड्स। ठीक है, जब आप यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट के लिए होता है और अच्छा खासा पैसा जो है वो इसके लिए लगता है इकोनॉमी ऑफ स्केल के लिए। और स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो ये एक प्रोसेस होती है ऑर्गेनाइजेशन कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेटिंग, जिसमें इसके लेबर रिसोर्सेज या जो भी आपके प्रोडक्शन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उनको सही तरीके से तैयार किया जाता है जिससे कि वो अपने इकोनॉमी के लिए एडवांटेज दे सके। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन से ही समझ जाओ कि स्पेशलाइज यानी कि एफिशिएंट मैनर में उसे यूज किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इंक्लूड एन आउटकम ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द स्किल्स। यानी आपसे पूछा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आप इसको पढ़िए, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं और पढ़कर समझकर ही आंसर करना। जिस बच्चे ने जो जो चीजें बोली जा रही है ना उनको अगर गौर कर लिया तो मान के चलिए बहुत आसानी से आप चीजों को कर जाएंगे। एन आउटकम ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक ये कहना चाह रहे हैं कि वह एक संगठन में एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप कैसा है, उसके उसका आउटकम देखा जा रहा है। डेवलप द स्किल्स एंड मेथड ऑफ एडजस्टिंग अ गुड कॉरपोरेशन विथ ईच अदर, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप कैसे कॉरपोरेट कर रहे हैं सबको, वो देखा जा रहा है इंडस्ट्रियल रिलेशन में। क्रिएट रूल्स एंड रेगुलेशन टू मेंटेन द हारमोनियस रिलेशन, जो भी आपस में रिलेशंस रखे हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स तो उनके बीच उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट किए जाते हैं। गवर्नमेंट इज नॉट इन्वॉल्व इन शेपिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन, गवर्नमेंट जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, औद्योगिक संबंधों को बनाने में शासन नहीं शामिल होती है, और पार्टीज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर एम्प्लॉई देयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एम्प्लॉयर्स। और जो भी जो भी उसमें पर्संस इन्वॉल्व है वो ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए रहते हैं। अब आपको ये बताना है इंडस्ट्रियल रिलेशन से जुड़ा हुआ पॉइंट कौन सा है, तो द राइट आंसर इज डी गाइस, डी इज द राइट वन, इसका सही आंसर है ये, सिर्फ डी, गवर्नमेंट इज नॉट इन्वॉल्व इन शेपिंग द इंडस्ट्रियल रिलेशन, दिस इज द रॉन्ग थिंग। गवर्नमेंट का भी फुल इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, तभी तो वो जो भी एक्ट होते हैं या जो भी मुआयना हम जिसे कहते हैं ना कि भाई वो फ्लाइंग स्क्वाड आ गया, या फिर जो थोड़ा सा देखने के लिए आते हैं चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए आते हैं, ऑडिट करने के लिए आते हैं, वो सारे पर्सन गवर्नमेंट की तरफ से तो अनरोल होते हैं और गवर्नमेंट ही तो पॉलिसीज मेक करती है, तो इसलिए गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए डी को छोड़कर सारे के सारे पॉइंट जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में इंक्लूड है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ये था हमारा आज का सेशन, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, चीज़ें अच्छी भी लगी होंगी तो लाइक ज़रूर करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए
और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट। ऑल द बेस्ट।